देख रहे हो आप सभी का YouTube चैनल ट्यूटोरियल क्वीन। लंबे बाल, घने बाल, ये सब तो हम आसानी से नहीं बना पाते हैं, पर सिल्की और स्मूथ बाल हम थोड़ा सा ट्राई करने पर ही कर सकते हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक हेयर पैक है। हेयर पैक में बताऊंगी, हम सबके घर में ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिससे आप ये वाला हेयर पैक बना सकते हो। बहुत ही यूजफुल हेयर पैक है, एक बार आप यूज करोगे उससे ही आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा और आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार यूज करो। तो ये जो हेयर पैक है ये आपके बाल को सिल्की और स्मूथ बनाएगा और आपका अगर हेयर फॉल होगा उसे भी थोड़ा सा रोकेगा। और बहुत ही अच्छा हेयर पैक है, आप आसानी से बना सकते हो। कुछ ही इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, ज्यादा कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स मैं नहीं बताऊंगी जो आपको अवेलेबल मार्केट में ना मिले। ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है ये आपको आपके घर में ही मिल जाएगा, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इस हेयर पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक एलोवेरा का लीफ, जिसे मैं अच्छी तरीके से छील रही हूँ। तो आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप एलोवेरा लीव यूज कर रहे हो मेरी तरह, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप एलोवेरा लीव को ऐसे छीलोगे कि उसका सिर्फ जो पल्प और जेल है वही आना चाहिए। इसका जो छिलका ग्रीन कलर का पार्ट है ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एलर्जी हो सकता है और बहुत लोगों को ये सूट भी नहीं करता। पर्सनली मुझे ये सूट नहीं करता है, अगर थोड़ा सा भी ग्रीन पार्ट आ जाता है तो मुझे इचिंग होने लगती है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए। अदरवाइज आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, उससे भी सेम रिजल्ट मिलेगा आपको। एलोवेरा जेल हैज़ कूलिंग प्रॉपर्टीज एंड इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल रेमेडी फॉर सन बर्न और बर्न स्किन। मार्केट जैसा एलोवेरा जेल बनाने के लिए मैंने एक चॉपर लिया है और इस एलोवेरा लीफ को मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा चला दूंगी इसे। इससे एलोवेरा जेल का जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसे मिक्सी में इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ खट्टा दही। तो मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था तो ये जम गया है। आप जब इस पैक को बनाओगे तो मेक श्योर करना कि दही रूम टेम्परेचर में हो। मैं चम्मच से इसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी ताकि ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आ जाए, पर ये हो ही नहीं रहा था। तो मैंने एलोवेरा जेल को इसमें मिक्स करके फिर इसे अच्छी तरीके से 5-7 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स किया। इतने टाइम में वो दही पिघल गया और अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था। आपके साथ भी अगर सेम प्रॉब्लम हो तो आप एक बार इसे मिक्सी में चला लेना, तो आपका भी पैक जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अंडा। अगर आपको अंडे के स्मेल से प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरा एक अंडा इसमें डाल सकते हो, और अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ एग वाइट को डाल सकते हो, इससे आपको स्मेल नहीं आएगा। मैंने वीडियो में जिस तरीके से दिखाया है आप चाहो तो इस तरीके से एग वाइट को निकाल सकते हो, अदरवाइज आप पूरे एग को डाल सकते हो। द वाइट पार्ट ऑफ द एग प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम हेयर डैमेज और प्रिवेंट हेयर लॉस। अब मैं इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स कर सकते हो। अभी मैं हेयर पैक को अप्लाई करूँगी। पैक अप्लाई करने से पहले मेरे हेयर्स कुछ इस तरीके के लग रहे थे। आप मेक श्योर करना जब भी आप कोई भी हेयर पैक अपने बालों पे यूज़ करो तो आपका जो स्कैल्प है वो पूरा क्लीन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आपने शैम्पू करा हुआ है पहले से। तो मैं इस तरीके से हाथों में लेके इसे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। मैं अपने टोटल हेयर पे ये वाला पैक यूज़ करूँगी, बिल्कुल रूट से लेके टिप तक। तो चलिए अभी मैं इस हेयर पैक का जो गुडनेस है वो बताती हूँ। सबसे पहले ये पैक यूज़ करने से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी होंगे। पहली बार यूज़ करने पर ही आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। और अगर आप इस पैक को हफ्ते में एक बार, और अगर आपको टाइम नहीं मिले तो महीने में 2 बार अगर आप इस पैक को यूज़ करोगे तो आपका इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपके जो हेयर फॉल है उसे रोकेगा, आपके हेयर को थिक बनाएगा
और अगर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए तो इसके बाद में जो रेमेडी बताऊंगी वो वाला रेमेडी आप यूज़ कर सकते हो। मैं जल्द ही जल्द एक नई वीडियो भी बनाऊंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैंने अपने पूरे बालों में पैक को अप्लाई कर लिया है। अभी शैम्पू करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें मैं ये सन सिल्क का शैम्पू 2 पैकेट मिलाया है और उसमें मैंने 1/2 लेमन को ऐड किया है। इसे मैं मिक्स करके अपने हेयर्स को शैम्पू कर लूँगी। शैम्पू करने के बाद आपको कोई भी कंडीशनर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। और अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ जाके जल्दी से देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।